हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल डीएसटी। दोस्तों, छोटे साइज़ में अगर आप लग्जरी घर बनाना चाहते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव घर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए ही बनाया गया है। ऐसे ही हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, क्योंकि छोटे साइज़ के प्लॉट है, लेकिन आपको घर काफ़ी लग्जरी मिल जाते होंगे। आप साइज सर्च करके यूट्यूब पर हमारे पे देख भी सकते हो कि आपके काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल रही होंगी। तो एक साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज का जो प्लान है वो 19 फीट चौड़ा है और लगभग 22 फीट गहरा है। अप्रोक्सीमेटली एक छोटे साइज़ का प्लॉट है, लेकिन इसको भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज का प्लान जो लगभग लगभग 45 से 50 गज़ के नियर अबाउट मिलता है, मतलब 46 गज़ के करीब ही आपको प्लाट मिल रहा होगा, तो उसमें आप कॉर्नर का प्लॉट है, किस तरीके से आप कॉर्नर की जगह को यूटिलाइज़ करके आप काफ़ी ज़्यादा आलीशान घर बना सकते हैं, तो आज की वीडियो उसी के यहाँ पे वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो बेसिकली इसकी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और इसका बाहर का एक्सटीरियर डिज़ाइन है। ये मतलब ग्राउंड फ्लोर में आपको कॉर्नर का प्लॉट मिलता है इस तरीके से। ये 19 फीट के करीब चौड़ा है और डेप्थ जो है वो लगभग 22 फीट है। कॉर्नर पे हमने गेट रखा है, तो कॉर्नर पे गेट रखने से क्या है कि आपको गली की चौड़ाई अगर कम भी है तो आपकी कार पार्किंग में आपकी इजीली आप इसमें कार पार्किंग कर सकते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हैं, मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। तो आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपको एक साइड में आपको कार की पार्किंग मिल जाती है और एक साइड में आपको लिविंग एरिया मिल जाता है, मतलब गेस्ट को एडजस्टमेंट करने के लिए, बैठने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल पाता है। तो जैसा कि आपको पता है, अंदर ही अंदर लगभग दोनों तरफ की सारी दीवारें 4 इंच 9 इंच की दीवारें अगर रख लेंगे तो लगभग आपको 1.5 फीट कम हो जाता है, तो लगभग 17.5 फीट के करीब आपको चौड़ाई अंदर ही अंदर मिलती है। और लगभग जो लंबाई की अगर बात कर ले तो 20.5 फीट के करीब आपको लंबाई मिलती है। तो ये इस ग्राउंड फ्लोर है, इसकी प्रॉपर डिटेल आपको बता दी है। और एक पिलर की अगर बात कर ली जाए तो चारों कोने पर पिलर है और बीच में भी आपको पिलर रखने होंगे। तो ये जो डिस्टेंस रहने वाला है, 10 फीट के गैप पर आप पिलर रख सकते हैं और उसके अंदर ही आप अटैच टॉयलेट बाथरूम मतलब उसके साथ अटैच आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। इसका साइज़ जो हमने रखा है वो लगभग लगभग हमने आपको टॉयलेट बाथरूम की जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है वो 3.5 फीट है और ये जो लंबाई है वो लगभग 8 फीट के करीब रहने वाली है। तो 8x3.5 का आपका टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। अब बात आती है सीढ़ियों की। सीढ़ियों की जो चौड़ाई हमने रखी है वो लगभग 6 फीट के करीब है। 3 फीट की वन साइडेड स्टेयर है, 3 फीट की वन साइडेड है, यहाँ से नीचे ऊपर तक आप मतलब आप चढ़ते हैं। तो ये जो लंबाई रहने वाली है लगभग लगभग 11 फीट के करीब रहने वाली है। काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से आपकी सीढ़ी बन सकती है। और इसमें अगर आप लिविंग एरिया नहीं रखना चाहते, मतलब यहाँ पे सोफ़ा का प्लानिंग वगैरह नहीं एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस जगह पे आपकी कार की पार्किंग भी कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। तो अब ये इसका प्लान तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो ग्राउंड फ्लोर के बाद जैसे ही फर्स्ट फ्लोर तैयार होता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका बाहर का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव निकल कर आता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, ये कॉर्नर की तरफ जो जगह दी गई है ये लगभग 2.5-2.5 फीट चौड़ी आपको बालकनी रखनी है और बाकी की जो जगह है वो 3 फीट के करीब आप रख सकते हैं। अब इसके साइजेस के और डिटेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीढ़ियों के आगे का जो फ्रंट का जो ग्लास है वो हमने हटा दिया है, बाद में दिखा देंगे। जैसे ही सीढ़ियों से आपकी एंट्री अंदर की तरफ होती है तो आपको ये जो डिस्टेंस मिलता है, पहले तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो 11 फीट है, चौड़ाई 6 फीट है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपकी एंट्री लिविंग एरिया के अंदर हो जाती है। लिविंग एरिया काफ़ी कंफर्टेबल है, किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। 12 फीट चौड़ा है, 11 फीट लंबा आपको लिविंग एरिया मिलने वाला है। अब उसके बाद जैसे ही ये आपको एक तरफ में टॉयलेट बाथरूम अटैच बालकनी के छज्जे के ऊपर ही मिलता है। अब पीछे की तरफ जो दोनों बेडरूम है कंफर्टेबल साइज़ में रखा गया है। लेफ्ट में बेडरूम बालकनी के साथ है, राइट वाला जो बेडरूम है 9.5 फीट चौड़ा है, 10 फीट गहरा है, जिसमें बेड, वार्डरोब, अलमीरा सब कुछ इसमें आ सकता है। काफ़ी स्पेसिस इसको रखा गया है। उसके पश्चात जैसे ही आप बाहर की तरफ आते हैं तो लेफ्ट में जो आपको बेडरूम मिलता है, बेडरूम की चौड़ाई लगभग 11.5 फीट है और जो इसकी डेप्थ है वो लगभग 10 फीट ही रहने वाली है। आने के बाद 3 फीट बेडरूम के अंदर एक्सटेंड हो जाता है और उसके 3 फीट का छज्जे के ऊपर और 1 फीट का अंदर की तरफ, जो 4 फीट का चौड़ा और 6 फीट लंबा आपको टॉयलेट बाथरूम रखा है, जो कि बेडरूम के साथ ही अटैच रहने वाला है। और इसमें मतलब किसी प्रकार की मतलब वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप बाहर की तरफ में विंडो लगा सकते हैं जो कि कॉर्नर पर, जिसमें बाहर का जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी निकल कर आता है। तो उसके बाद ये टॉयलेट बाथरूम है जो मतलब लिविंग एरिया से आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 7 से 8 फीट के करीब रखने वाले हैं। आप 7 फीट रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस रहेगा। 6.5 से 7 फीट के करीब रख लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद ये 3 फीट का दरवाज़ा आपको बालकनी पर आने के लिए मिल जाता है और लगभग 1 से 1.5 फीट की कॉर्नर की विंडो रहती है। इस तरफ में 2 फीट, इस तरफ में 1 फीट के करीब आपको ये विंडो मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो अब इसके फाइनली व्यू के ऊपर बढ़ते हैं ताकि इसको देख पाएंगे किस तरह का ये फाइनली डिज़ाइन दिखाई देगा। जब ये फाइनली पूरा घर डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बस इसके आगे की तरफ में एक ग्लास विंडो पैनल आप लगा सकते हैं, वो थोड़ा फिर हटा दिया है, मैं अभी के लिए दिखा देता हूँ आपको एक बार। लेकिन एक बार इसका ओवरऑल व्यू देख लो।
और इसके ऊपर की जो छत की जो जगह है उस पे आप बैठने के लिए आप सीटिंग प्लान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट के डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि हमने बताया था कि बाहर की तरफ में ग्लास पैनल अगर लगा लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव निकल कर आएगा। बाहर का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज, काफ़ी ज़्यादा ओवरहॉल इन्हेंस होकर आता है। अगर आपको बाहर से देखने पर ये पता नहीं लगता कि ये जो घर है सिर्फ 45 गज का है, बाहर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा ये। तो इस तरीके से आप और भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं अपने लिए कोई हाउस का प्लान बनवाना या कोई घर का डिज़ाइन तैयार करना तो पर्सनली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट की डिटेल दी गई है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए ऐसे ही खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन बनवा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम आपको हर बार की तरह कहेंगे धन्यवाद।